दोस्तों आप चाल पल्स का मोस्ट पॉपुलर सीरियल गुम है किसी के प्यार में तो देख ही रहे होंगे, जिसमें आए दिन हमें नए ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते रहते हैं, जहां अब फिर एक बार नया ट्विस्ट आने वाला है जो है 8 साल का लीप। जी हाँ, सीरियल में बहुत जल्द 8 साल का लीप आने वाला है, जिसमें हमें 2 चाइल्ड आर्टिस्ट की नई एंट्री देखने को मिलेगी और इन 2 एंट्रियों से सीरियल की कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 2 एंट्री के बारे में बताने वाले हैं। तो आखिरकार सीरियल में किन 2 चाइल्ड आर्टिस्ट की एंट्री होने वाली है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो से। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 1, तन्मय ऋषि। लिस्ट में सबसे पहला नाम शुमार है चाइल्ड आर्टिस्ट तन्मय ऋषि का, जिनके सीरियल में बहुत जल्द एंट्री जो है ये लेने वाले हैं, जो आइए विराट और पत्रलेखा के बेटे का किरदार निभाते नजर आएंगे। बता दें तन्मय ऋषि को सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा और कार्तिक के बेटे कायरव के किरदार के लिए जाना जाता है, जहां इन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी से दर्शकों का अपना दीवाना बना लिया था, क्योंकि इन्होंने छोटे होने के बावजूद अपनी एक्टिंग बखूबी निभाई थी, जिसके चलते बहुत जल्द ये सीरियल गुम है किसी के प्यार में पत्रलेखा के बेटे के किरदार में नजर आएंगे और फिर से एक बार दर्शकों का दिल जीतेंगे। आप देखेंगे कि विराट और पत्रलेखा मिलकर इनका ख्याल रखेंगे। नंबर 2, आर्या सकारिया। सीरियल में दूसरी एंट्री करती नजर आएगी चाइल्ड आर्टिस्ट आर्या सकारिया, जिन्हें हाल ही में सीरियल चीकू की मम्मी दूर की में देखा गया है और इसमें इन्होंने बेहद शानदार एक्टिंग की थी, जिसे दर्शक हमेशा ही देखना काफी पसंद करते थे। और अब फिर एक बार ये दर्शकों का मनोरंजन करती नजर आएगी, क्योंकि ये दिखने में काफी सुंदर है और बेहद गोलू मोलू है, जिन्हें देखकर कोई भी इनका दीवाना हो जाए। आपको बता दें सीरियल में ये सई जोशी की बेटी सावी का किरदार निभाती नजर आएगी, जहां सई अकेले ही इनकी परवरिश करेगी, क्योंकि सई जब घर से जा रही होगी तो उन्हें नहीं पता होता कि वो प्रेग्नेंट है, और जब उन्हें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो विराट के पास वापस जाना सही नहीं समझती, इसीलिए इस बच्ची को अकेला ही पालती है। और अब इस नई स्टोरी में देखने के लिए दर्शक काफी ज्यादा इनको एक्साइटेड है कि इन 2 बच्चों के आ जाने से सीरियल में और क्या कुछ देखने को मिलेगा, दर्शक इसे भी देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सीरियल में इन 2 बच्चों की एंट्री देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।